एक बहुत बड़ी कंपनी का हाई लेवल इंटरव्यू हो रहा था। चारों कैंडिडेट्स बहुत ही नर्वस थे। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुए, पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, फिर उसका इंटरव्यू होने के बाद उसे बाहर वेट करने को कहा। जैसे ही वो बाहर आया, दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन उस कैंडिडेट के पास टाई नहीं थी। तो उसने पहले कैंडिडेट से टाई मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया ये कहकर कि उसको दोबारा बुलाया जाएगा। फिर उसने तीसरे कैंडिडेट से भी टाई मांगी, लेकिन उसने भी मना कर दिया। फिर उसने चौथे कैंडिडेट से भी मांगी। चौथे कैंडिडेट ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरी टाई ले जाओ, मेरा नंबर बाद में है। फिर जैसे ही दूसरा कैंडिडेट इंटरव्यू देने अंदर गया, यहाँ तो कहानी ही पलट गई। दोनों इंटरव्यूअर्स उसे रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए और उसे सीट पर बिठाया, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट ही बॉस था। फिर उसने तीनों कैंडिडेट्स को बुलवाया। जब तीनों कैंडिडेट्स आए तो वो भी हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, और बॉस ने जॉब उन दोनों कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करके चौथे कैंडिडेट को दे दी। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपका इंटरव्यू इंटरव्यू रूम में ही स्टार्ट हो, आपके बिहेवियर का इंटरव्यू वेटिंग रूम से ही स्टार्ट हो जाता है।